हेलो गाइस, तो मेरे पास है अभी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स का फॉर्म, मनाली की ब्रांच का ये फॉर्म है। इसके अलग अलग सब सेंटर्स हैं और बेसिकली जो डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो तीन फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड है मेडिकल फॉर्म एंड तीसरा इसके साथ आता है कि क्या चीज़ आपको कैरी करनी है, क्या चीज़ लेके जानी है। मैक्सिमम चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है, इसके अलावा भी कई और चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में डाल रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगर फॉर्म भरना है तो किस अकॉर्डिंग हम फॉर्म भरेंगे। सबसे पहला आता है नेम ऑफ कोर्स, कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा बीएमसी बेसिक, माउंटेनियरिंग कोर्स, सेकेंड आता है इसमें आपको ऑप्शन भी आएगा कि कौन से बैच में आप करना चाहते हैं, नेम ऑफ द सेंटर एट विच कोर्स टू बी अटेंड। मैंने जैसे आपको बताया था इसके 11 सब सेंटर्स हैं, तो अभी हमने फॉर्म भरना है मनाली के लिए। नेक्स्ट आते हैं गाइस ड्यूरेशन में, तो ड्यूरेशन जो है कोर्स का 1 सेप से स्टार्ट है और ईयर इसी साल का हम करने जा रहे हैं 2024, एंड कब तक चलेगा। टोटल 26 दिन का कोर्स है जो इसमें कराया जाता है, 26 2024। इसके बाद कोर्स कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जो इसमें मैं फिल कर दूंगा, जो बैच के सामने लिखा होता है कि कौन सा बैच वो चल रहा है। इसके बाद आता है नेम, इसमें ट्राई के लिए मैक्सिमम चीज़ें आप जो लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसके लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, रंजीत नाम है, नेक्स्ट है फादर नेम, ये कॉलम अभी बाद में मैं फिल कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, सेक्स मेल फीमेल। क्वालिफिकेशन में गाइस अपना लिख सकते हैं, ट्वेल्थ कर रखी है, क्या कर रखी है। इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ट्वेल्थ, अब इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं इसमें कि ट्वेल्थ आपने कर रखी है। इसके बाद आता है आप जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या है, तो इसमें अपना लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसमें मैंशन कर देता हूँ मैं। राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग मुझे पता है बहुत अच्छी है। फोन नंबर गाइस यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया फोन नंबर, इसके बाद अपना लिख दिया हमने ईमेल आईडी, एड्रेस इसके बाद मेंशन कर देंगे, पिन कोड जो भी है आप इसके अंदर डाल सकते हैं एड्रेस लिखने के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ का जो पिन कोड है 1100 एंड 35, यहाँ पर मैंशन कर दिया। इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि डीडी चेक आरटीजीएस एनईएफटी नंबर, इसके अंदर आप जो अमाउंट पे करेंगे, सबसे पहला फॉर्म भरने के साथ साथ आपको करना है कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अकाउंट नंबर मिलता है, मैं प्रॉपर लिंक उसी की देता हूँ, अपना कोई अकाउंट नंबर मेंशन नहीं करता। सो जिस अकॉर्डिंग भी आप पेमेंट करें, मेरे अकॉर्डिंग तो डीडी से करें तो बेस्ट है आपका, या ऑफलाइन पेमेंट करें तो ज़्यादा बेटर है। यूपीआई का ऑप्शन उन्होंने डाल रखा है बट वो अपडेटेड नहीं है, तो ट्राई करें कि आप डीडी चेक आरटीजीएस एनईएफटी इन सब से पेमेंट करें, तो उसका जो रेफरेंस आईडी नंबर होगा वो इसमें मेंशन कर देना है। डेट आपने कब की है, अमाउंट कितना है, कोर्स की फीस जो है वो इसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आप जो रूल रेगुलेशन है वो इंस्टीट्यूट की मानने के लिए तैयार हैं, इंजरी अगर होती है उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, इंस्टीट्यूट को आप सपोर्ट करेंगे। इन केस इनका कहने का मतलब है कि आप अपने हस्ताक्षर कर दें कि इंस्टीट्यूट किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा अगर आपको कुछ हो गया तो। ये वाला कॉलम आ गया आपका, सिग्नेचर ऑफ गार्डियन पेरेंट्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन वगैरह। अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मेडिकल फॉर्म में। कई बार आप अगर जाते हैं मेडिकल डॉक्टर के पास भी, तो कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनका मुझे कमेंट्स आया था कि सर इन कॉलम्स में हमें क्या करना है। तो पहला काम, आधा काम तो आप खुद करके जाइए कि जिसमें आप अपना यहाँ पर डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए। सेकेंड आता है एज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया 18 ही डाल दिया। हाइट, वेट, इसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये ध्यान से रखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ लास्ट वैक्सीनेशन।
टैबलेट के अलावा इन सारी चीजों में इसमें क्या करना है कि अगर आपने कोई लास्ट वैक्सीनेशन ली है तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा कि इस दिन मैंने लास्ट वैक्सीनेशन ली थी। वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन लिया हो, जैसे रेबीज का हो गया, टेटनेस का हो गया या कोविड वैक्सीन हो गया। तो ये वाला कॉलम आमतौर पर बनाया गया था कोविड के अकॉर्डिंग। बाकी अभी कुछ जो फॉर्म्स डाउनलोड किए हैं लास्ट वाले पर्सन ने तो उनमें अपडेटेड नहीं था, इसमें अपडेटेड है। तो इसमें आप डाल सकते हैं कि अगर आपकी वैक्सीनेशन कोई चलती है, टैबलेट कोई चलती है, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर टैबलेट चलती है तो। बाकी ये वाला जो कॉलम दोस्तों जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है आपका डॉक्टर भरेगा, इसमें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी फोटो अटैच कर लीजिएगा एंड मेडिकल ऑफिसर के साइन एक इधर भी होंगे, स्टैम्प यहाँ पे भी लगेगी एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी एक साइन होंगे और स्टैम्प लगेगी एंड इधर आपका नेम आएगा एंड यहाँ पे आपके साइन आएंगे। तो ये बहुत इजी तरीका है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एंड मेडिकल फॉर्म फिल करने का। मेडिकल फॉर्म वैसे सेम ही है लगभग दोनों में, देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या सारी चीज़ें सेम ही है। तो आप कोई भी चीज़ इसमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बहुत ईजी है। इसके बावजूद भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।